हेलो फ्रेंड्स, रमज़ान प्रिपरेशन एपिसोड 3। आज मैंने बहुत सारे ये चिकन स्टार्टर बनाए हैं। मैंने बनाए हैं चिकन एंड चीज़ रोल और ये है रशियन कबाब। इसको कैसे फ्रोज़न करना है वो मैं आपको सिखा रही हूँ। मैंने कटिंग बोर्ड लिया है, आप कोई बड़ी सी प्लेट भी ले सकते हो। इसके ऊपर ये पार्चमेंट पेपर रखा है, इसकी जगह पे आप ऐसे ये प्लास्टिक की थैली कट करके रख सकते हो। इसके ऊपर हमारे स्टार्टर में रख दूँगी, एकदम चिपक चिपक के नहीं रखना है, दूर दूर रखना है। एक लेयर मैंने यहाँ पे रख दी है, अब इसको फ्रीजर में रखना है 5-6 घंटे के लिए। ये देखो हमारा अच्छे से ये कड़क हो गया है, ये देखिए। अब इसको आप एयर टाइट डब्बे में या ऐसे जिप पाउच में भर दीजिए, तो ये आपस में ये चिपकेगा नहीं। देखो मैं आपको भर के बताती हूँ। तो मैं ये जिप पाउच में भरती हूँ। जिप पाउच को अच्छे से सील कर दिया है और ये डब्बे को बंद कर दो। आप फ्रीजर में रख दो या आप डब्बे में भी रख सकते हो और ऐसे जिप पाउच में भी रख सकते हो। बस फ्रोजन करना है।